आज मैं आपके साथ ग्रीन पोहा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे हरियाली पोहा या फिर हरा भरा पोहा भी कहते हैं। हेलो दोस्तों, मैं पूनम आपके अपने क्रेव किचन में स्वागत करती हूँ। हमेशा के रेगुलर पोहे से अगर आप बोर हो गए हो तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। इसका खट्टा मीठा तीखा टेस्ट आपको ज़रूर पसंद आएगा। रेसिपी शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए। आज की रेसिपी के लिए यहाँ पर मैंने एक कप पोहा का लिया है। दो बड़े प्याज लेके मैंने उसे इस तरह से लंबा पतला काट लिया है। कुछ कड़ी पत्ते के पत्ते लिए हैं, एक नींबू का रस लिया है, दो हरी मिर्च लिए जिसे मैंने बीच में से स्लिट किया है और उसके मैंने इस तरह से पीसेस कर लिए हैं। 5 से 6 मैंने यहाँ पर लहसुन की कलियाँ ली हैं। 1.5 चम्मच हमने यहाँ पर जीरा लिया है, 1 चम्मच राई ली है, 1/4 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है, 1 चम्मच हमने यहाँ पर शक्कर का लिया है। अगर आप मीठा नहीं पसंद करते हो तो आप इसे स्किप कर सकते हो। साथ ही में हम ऑयल यूज़ करेंगे अपने ज़रूरत के हिसाब से। कुछ मैंने पुदीने के फ्रेश पत्ते लिए हैं और साथ ही में हमने हरे धनिए के भी कुछ पत्ते लिए हैं। 1 शिमला मिर्च को मैंने इस तरह से कट कर लिया है और उसके देखिए मैंने इस तरह से कुछ लंबे पीसेस किए हैं। 1/4 कप हमने यहाँ पर मटर के लिए हैं और नमक हम अपने ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 1 छन्नी में पोहे रख लिए हैं और उन्हें मैं पानी के साथ इसे अच्छे से मसल के धो लूँगी ताकि उसमें अंदर से जो भी मिट्टी वगैरह होगी वो निकल जाएगी। मैं यहाँ पर इसे इस तरह से धो रही हूँ। आप अपना रनिंग वाटर के नीचे इसे अच्छे से धो के इसे रख दीजिए 5 मिनट के लिए। जब तक पोहे को हमने भिगो के रखा है, हम क्या करते हैं, मिक्सर जार ले लेते हैं। उसमें हम डाल देंगे पुदीने के पत्ते जो हमने लिए हैं, साथ ही में हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया, सारा डाल देंगे हम इसी में। हमने इसकी एक चटनी बना लेनी है। साथ ही में हम डाल रहे हैं लहसुन की कलियाँ। इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे जीरा। हम इसमें से आधा जीरा डालेंगे, आधा जो है हम इसे तड़के में डालेंगे। और इसमें हम डालेंगे नींबू का रस और इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे और 2 चम्मच के करीब बस डालना है और इसकी हम एक अच्छे से चटनी बना लेंगे पीस के। तो आप देख सकते हो हमने इसकी बिल्कुल फाइन चटनी बना दी है। पानी डालने की वजह से ये अच्छा सा पीसा गया है। तो चलिए अब हम अपने पोहे को फ्राई करते हैं। कढ़ाई को रख दिया है हमने गैस पे। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच ऑयल के। ऑयल गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें डाल देंगे राई। राई थोड़ी तड़क जाए इसमें हम डाल देंगे जीरा। साथ ही में हम इसमें डाल देंगे कड़ी पत्ता और इसमें हम डालेंगे कुछ ग्राउंडनट्स। और ग्राउंडनट्स डालने के बाद ही हम इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाएं। तो थोड़ी देर के लिए इसे चला लेंगे हम इसी तरह से और ग्राउंडनट्स को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ग्राउंडनट्स अच्छे से फ्राई हो चुके हैं तो अब इसमें हम डाल देंगे प्याज और साथ ही में हमने जो हरी मिर्च काट के रखी है वो भी हम इसमें डाल देंगे। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे मटर। सारे मटर हम इसमें डाल देते हैं और हमने जो शिमला मिर्च काट के रखी थी वो भी हम इसमें डाल देते हैं। और सारी चीज़ों को हम अच्छे से सॉटे कर लेंगे। हमने इन सारी चीज़ों को ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस हल्के से इसे हम सॉटे करेंगे। थोड़ी देर इसी तरह से हम इसे चलाते रहेंगे। 1 मिनट तक इसे हम इसी तरह से चलाते हुए थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। उसके बाद हम इसे 2 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे। तो इसे मैं कवर कर देती हूँ 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन को उतार लेते हैं और इसे हम चला के देख लेते हैं कि हमारे जो मटर हैं हमने जो डाली हैं वो पके हैं कि नहीं। एक बार चेक कर लेंगे, अगर मटर पक गए हैं तो इसमें अब हम अपनी चटनी डाल देंगे जो हमने पीस के रखी है। सारी चटनी हम डाल देते हैं इसमें और इसके साथ ही हम इसमें डाल देते हैं हल्दी पाउडर, शक्कर भी डाल देते हैं और अपने स्वाद के अनुसार हम इसमें डालेंगे नमक। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे बाकी सारी चीज़ों के साथ ताकि जो नमक मसाला वगैरह जो भी डाला है वो अच्छे से रस जाए। और बस इसे मिक्स करने के बाद हम इसमें पोहा डालेंगे। और बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है फ्रेंड्स, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना। पोहा डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि पूरा जो चटनी का कलर है वो पूरी तरह से पोहे के साथ मिक्स हो जाए।
तो देखा फ्रेंड्स आपने, मिक्स होने के बाद कितना डिफरेंट ग्रीन कलर आ गया है इसका, और खाने में तो टेस्टी है ही है। तो इसे अब हम 2 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं और ताकि स्टीम में ये बहुत अच्छे से बन जाए और फिर इसे हम सर्व करेंगे। गर्मा गर्म ग्रीन पोहा रेडी हो गया है सर्व करने के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबाना, जिससे आपको मेरी अगली रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। फिर जल्द ही मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।